चलिए हम लोग अपना शेयर कैपिटल के सीरीज़ को चालू करते हैं और अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ राइट इशू। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट देखना है, शॉर्ट वीडियोस हेल्प करता है रिवाइज करने में, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ राइट इशू जो गिवन अंडर सेक्शन 62 है। राइट इशू का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करता है तो हम लोग बोलते हैं उसको IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। और जब वापस वो फर्दर कभी भी करता है तो हम लोग बोलते हैं उसको FPO, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर। तो बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी है, सपोज करो एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, ये कंपनी है, इसके पास ऑलरेडी 200 शेयर होल्डर्स है, ठीक है। IPO लाया था, 200 शेयर होल्डर इसके पास ऑलरेडी है। ध्यान से सुनिएगा, अब कंपनी प्लान कर रहा है वापस से शेयर इशू करने का, शेयर को इशू करने का प्लान कर रहा है। तो बोला जाता है कंपनी जब तुम शेयर इशू का प्लान कर रहे हैं किसको करने के लिए, पब्लिक को करने के लिए, तो राइट इशू सेक्शन 62 का एक लॉ है जो ये बोलता है कि कंपनी जब कभी भी तुम फर्दर इशू ऑफ शेयर करेगा, जब कभी भी तुम क्या करेगा, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि फर्दर पब्लिक को जब भी तुम शेयर देगा, तो सबसे पहले ये शेयर तुम इशू करेगा किसको, शेयर होल्डर को, यानी कि शेयर होल्डर्स लोग को राइट देगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कंपनी सबसे पहले शेयर इशू बाहर पब्लिक को करने से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोगों को शेयर्स का क्या देगा, राइट देगा। राइट टू व्हाट, राइट टू सब्सक्राइब। अगर देखो घर में खाना रोटी बचा हुआ है, सबसे पहले मम्मी काम वाली को देने से पहले तुम लोग से पूछती है ना, खाओगे खाओगे खाओगे। उसी तरह कंपनी अगर फर्दर पब्लिक ऑफर करे, यानी कि फ्यूचर में शेयर इशू करे, ठीक है, कभी भी इशू करे IPO के बाद, तो ध्यान से समझिएगा जब कभी भी कंपनी ऐसा शेयर इशू करता है, FPO इशू करता है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले ऑफर करेगा वो शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को, उन लोगों को राइट देगा कि वो चाहे तो इशू कर सकता है। मतलब क्या, सपोज करो एक कंपनी है उसको क्या इशू करना है, शेयर इशू करना है, क्लियर हुआ। शेयर इशू अगर करना चाहता है तो सबसे पहले वो ऑफर देगा अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर लोग को, पब्लिक को देने से पहले सबसे पहले वो ऑफर करेगा, फर्स्ट किसको ऑफर करेगा, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर लोग को। अगर आर्टिकल कुछ और बोल रहा है वो, तो नहीं तो आर्टिकल कुछ नहीं बोल रहा है तो एक और राइट देगा जिसको बोलते हैं राइट टू रिनाउंस। राइट टू रिनाउंस मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को राइट देगा कि वो लेना चाहते तो ले, नहीं तो उनके पास राइट टू रिनाउंस है। क्या चीज़ का राइट है इनके पास, ये चाहे तो ये किसी और को रेफर कर सकते हैं, जिनको लगता मतलब इनको जो ठीक लगे उनको वो रेफर कर सकते हैं। रीड करिए, देखिए क्या बोल रहे हैं कि एट एनी टाइम व्हेन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल प्रपोजेस टू इंक्रीज इट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, यानी कि उसको फर्दर इशू ऑफ शेयर करना है तो वो फर्दर इशू ऑफ शेयर सबसे पहले ऑफर किया जाता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। कैसे ऑफर करेंगे, आप लेटर भेजेंगे, लेटर में कंडीशन ये देंगे कि अगर आप इस शेयर को सब्सक्राइब करने में इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं। कम से कम उन लोगों को सोचने का तो समय दोगे, तो सोचने का टाइम बोला है मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन, यानी कि वो लोग शेयर लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं वो डिपेंड करता है सिंपल एक चीज़ पे कि आप उनको कितना समय देते हो। देखिए मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन देना पड़ेगा, मतलब ये है अगर मैं 10 दिन दे रहा हूँ उनको अलाउड नहीं है, क्योंकि मिनिमम 15 दिन देना पड़ेगा, 30 दिन देना पड़ेगा सोचने के लिए कि वो शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अब ऑफर राइट टू रिनाउंस भी इंक्लूड करेगा, अगर आर्टिकल कुछ और बोल रहा है तो नहीं करेगा, आर्टिकल कुछ और नहीं बोल रहा है तो राइट टू रिनाउंस भी ऑर्डर करेगा। देखिए टाइम एक्सपायर हो गया या फिर शेयर होल्डर अर्लियर इंटीमेट कर दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उसको डिस्पोज कर देगा, जैसे कि कंपनी का कोई इमेज खराब ना हो। अब ध्यान से समझिए, कंपनी चाहे तो आउटसाइडर को, ठीक है, आउटसाइडर को या एम्प्लॉय को ESOP के अंदर बिना एग्जिस्टिंग वाले को पूछे दे सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग को बिना पूछे देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SR NGM पास करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो आप बाहर इशू कर सकते हैं बिना, मतलब कि तुरंत इशू कर सकते बिना राइट दिए, लेकिन SR NGM पास करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप कभी भी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करेंगे उस समय भी आपको SR NGM पास करना पड़ेगा। ठीक है, हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर डिबेंचर जो बाद में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस केस में भी आपको SR NGM पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक तो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए आप अगर गवर्नमेंट से कभी भी लोन लिए हो तो आप गवर्नमेंट को क्या इशू किए हो, डिबेंचर। आप डिबेंचर जो गवर्नमेंट को इशू किए वो क्या है, नॉन कन्वर्टेबल। अब गवर्नमेंट अपना दादागिरी लगाता है, उसको अगर लगा कंपनी के पब्लिक पॉलिसी के इंटरेस्ट पे, देखिए क्या बोल रहे हैं, नॉट विस्टैंडिंग भाड़ में जाए जो जितना बोले अभी तक, अगर डिबेंचर इशू किया गया या लोन लिया गया गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नेसेसरी है पब्लिक इंटरेस्ट पे, तो वो ऑर्डर कर सकता है कन्वर्ट करने के लिए डिबेंचर या लोन को शेयर में, भाड़ में जाए फैक्ट कि वो कन्वर्टेबल है या नहीं है, यानी कि वो चाहे तो नॉन कन्वर्टेबल को भी कन्वर्टेबल कर सकता है। तो आपको बस ध्यान रखना है, दिस इज़ ऑल अबाउट राइट इशू। मैं बेसिक चीज़ बता दिया राइट इशू होता क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये रिविजनरी वीडियो है, आप इससे मेन क्लास में कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इससे आप एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर कर सकते हैं कंसेप्ट होने के लिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, लव यू, टेक केयर।